युद्ध छिड़ने पर भारत की आगे कहां टिकेगा पाकिस्तान? आखिर सैन्य ताकत में भारत से कितना पीछे है पाक? बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। हालात युद्ध सरीखे हो गए हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि युद्ध होने की सूरत में पाकिस्तान भारत के आगे कितनी देर तक टिकेगा। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच दोनों देशों की ताकत की तुलना करें तो भारत काफी आगे है। सबसे पहले बात थल सेना की, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के आंकड़ों की माने तो भारत के पास 14 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा भारत के पास 3,563 युद्ध टैंक हैं, 3100 इन्फेंट्री लड़ाकू विमान, 336 सशस्त्र पर्सनल कैरियर और 9,719 तोप हैं, जबकि पाक आर्मी में केवल 5.6 लाख सैनिक हैं, जिनके पास 2,496 टैंक, 605 सशस्त्र पर्सनल कैरियर्स, 4,472 तोप हैं। अब बात करते हैं मिसाइल की ताकत की। भारत के पास 9 तरह के ऑपरेशनल मिसाइल्स हैं, जिनमें 3,000 से 5,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 3 शामिल है। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस की मजबूत ताकत है। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, विमान या जमीन से भी कभी भी छोड़ा जा सकता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक चीन की मदद से पाक के मिसाइल्स प्रोग्राम में छोटी और मध्यम दूरी के हथियार हैं। 2000 किलोमीटर रेंज वाली शाहीन 2 पाक की सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है। अब बात करते हैं वायुसेना की, तो हवा में भी पाक के मुकाबले भारत बहुत ज्यादा मजबूत है। इंडियन एयरफोर्स की संख्या बल 1,27,200 है। पाकिस्तान के पास 1,281 एयरक्राफ्ट हैं, इसके मुकाबले भारत के पास 2,158 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास मिराज, जगुआर, MiG-29, MiG-27 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान हैं। तो वहीं IISS के आंकड़ों के मुताबिक पाक के पास 425 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं, यानी भारत के मुकाबले आधे एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें चीनी F-7PG और अमेरिकी F-16 फाइटिंग फैल्कन जेट्स भी शामिल हैं। जहां तक नेवी की ताकत की बात है तो भारत के पास पानी में भी पाक को पिछाड़ने की पूरी ताकत है। भारतीय नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 सबमरीन, 13 फ्रिगेट्स, 106 पेट्रोल और कोस्टल कॉम्बैट जहाज हैं। नेवी के पास 67,700 जवानों का दस्ता है, जिनमें मरीन्स और नेवल एविएशन स्टाफ भी शामिल है। वहीं पाक की समुद्री सीमा छोटी है और इसके पास केवल 9 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन्स, 17 पेट्रोल और कोस्टल जहाज हैं। आखिरी में परमाणु ताकत की बात करते हैं, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाक के पास 140 से 150 परमाणु बम हैं, जबकि भारत के पास 130 से 140 परमाणु बम हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंग होने पर पाकिस्तान भारत के सामने कहां तक टिकेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।